नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डाइटिशियन गौतम जानी है और आज हम बात करेंगे डायबिटीज मेलिटस पर। डायबिटीज मेलिटस कैसे होता है, इस दौरान कैसे फूड प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए और कैसी एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए, इन सारी बातों का खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। डायबिटीज होता है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन की इफेक्टिवनेस कम हो जाने की वजह से आपकी बॉडी में डायबिटीज मेलिटस नाम की बीमारी होती है। आप जो भी खाना बॉडी में इंटेक करते हो फूड पाइप के जरिए, वो खाना सबसे पहले लीवर में जाता है, वहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है और उसके बाद वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनकर हमारा एनर्जी स्टोरेज डिपार्टमेंट में चला जाता है। अब ये एनर्जी स्टोरेज डिपार्टमेंट, इसका एक लिमिटेशन है, जब ये लिमिटेशन पूरी हो जाती है और जो एक्सेस एनर्जी बचती है वो ग्लूकोज के जरिए पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है। ये जो एक्सेस ब्लड शुगर है उसी का नाम है ब्लड शुगर, मतलब डायबिटीज। डायबिटीज के जनरली दो तरीके होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें आपको इंसुलिन के इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है, और ये डायबिटीज ऐसा है कि जो जनरली बच्चों को होता है। टाइप 2 डायबिटीज, जो हमने बात की, जो एक्सेस एनर्जी एक्सेस ग्लूकोज बॉडी में बचता है और जो एक्सेस ग्लूकोज बॉडी में घूमता रहता है, उस चीज को बोलते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, जहाँ पे आपको शुगर की बीमारी होती है, जहाँ पे आपको इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं देने पड़ते, लेकिन हाँ 5 से 10 साल तक इसका अगर आप इलाज ना करवाए तो आपको इसमें भी इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इसकी रेंज क्या होती है, आपको शुगर है वो आपको पता कैसे चलेगा? हम सबको पता है कि ग्लूकामीटर करके एक मार्केट में और मेडिकल स्टोर में एक मीटर मिलता है, जिसके जरिए आप बॉडी में ब्लड शुगर कितने वो आप जान सकते हो। अगर आप मॉर्निंग में भूखे पेट, जिसे बोलते हैं फास्टिंग शुगर का रिपोर्ट करवाते हो ब्लड शुगर, तो वो जनरली जिसकी रेंज 70-100 के बीच में आनी जरूरी है। इससे ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज और शुगर के चांसेस है। और रैंडम ब्लड शुगर, मतलब आप कुछ खाना या मीठा खाना खाने के बाद अगर करवाते हो, तो उसकी रेंज 120-140 के बीच में आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको शुगर की बीमारी है। अब हमने डायबिटीज़ के बारे में तो जान लिया, बट इसके दौरान फूड प्रिकॉशन कौन से रखने वो हमें जानना खास ज़रूरी है। तो टिप नंबर 1 मेरी ये है कि आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो ऐसे फूड से लिख करें। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक आपकी बॉडी में कोई भी फूड जाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को कितना रेज करता है उसका एक इंडेक्स है। मैंने यहाँ पे इस बाजू में जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ऐसे फूड मेंशन किए हैं, जिसमें पहले ग्रेन्स है, बाद में फ्रूट्स है और लास्ट में आपके प्रोटीन्स और फैट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डायबिटीज के दौरान ले सकते हो। दूसरी टिप मेरी हो गई कि जहाँ पे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक आप अपने आप से एक्सेप्ट कर सकते हो अपनी फूड लाइफ स्टाइल में। इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक क्या होती है कि आप कुछ घंटे खाते हो दिन में और काफ़ी घंटे तक, मतलब लंबा टाइम तक आप फास्टिंग करते हो, जैसे कि आप 4 घंटे खाते हो, 6 घंटे खाते हो या 8 घंटे खाते हो, और सिमिलरली आप 12, 14 या 16 घंटे फास्टिंग करते हो। तो ऐसी टेक्निक आप अपना के डायबिटीज को अपनी बॉडी में से निकाल सकते हो। अब एक्सरसाइज की टिप्स में क्या हम देखते हैं, एक्सरसाइज में आपको वीक में 5 बार एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। वीक में 5 दिन आप अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें एक दिन आपने वॉकिंग कर लिया, एक दिन आपने साइकिलिंग कर लिया, एक दिन आपने स्विमिंग कर लिया, एक दिन आपने जिम में जाके या अपनी बॉडी वेट से बॉडी वेट ट्रेनिंग कर ली, और एक दिन आपने योगा या मेडिटेशन कर लिया। अगर 5 दिन आप अच्छा सा एक्सरसाइज करते हो तो आपका डायबिटीज और आपकी शुगर, जो एक्स्ट्रा एनर्जी से हमने स्टार्टिंग में देखा कि एक्स्ट्रा एनर्जी से शुगर बढ़ती है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है और एक्सेस शुगर हमारी बॉडी में डेली लाइफ में नहीं रहती। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, डाइट के साथ एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी है डायबिटीज़ में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डायबिटीज़ अगर आपको हो तो आप सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें और वहाँ पे जाके सबसे पहले जो भी नेसेसरी मेडिसिन है वो चालू करें, फिर आप प्रिवेंटिव केयर में आएँ। प्रिवेंटिव केयर मतलब डाइट और एक्सरसाइज की केयर। डाइट में आप अचानक से शुगर, मतलब जो ऐसी शुगर है जो बॉडी को ज़रूरत है, वो लेना बंद ना कर दें। अगर वो लेना बंद कर देंगे तो आप लो एनर्जी फील करोगे, लेथार्जिक फील करोगे और हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप चक्कर खा के आप गिर भी सकते हो। तो ये चीज़ और ये मिथ को फॉलो ना करें और बिल्कुल अपनी बॉडी में से शुगर बंद ना करें, डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का कंसल्ट ज़रूर से करें। एक्सरसाइज में एक साथ बहुत सारी एक्सरसाइज करना चालू ना कर दें, प्रोग्रेसिव धीरे धीरे एक्सरसाइज करना चालू करें। जैसे आपने आज 20 मिनट चला, कल आपने 10 मिनट वेट ट्रेनिंग की,
उसके बाद आप 10 मिनट योगा करोगे। तो इस तरह से अगले वीक में अपनी एक्सरसाइज की एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। एक ही वीक में सारी एक्सरसाइज और सारी डाइट को इम्प्रूव करना की ट्राई मत करें। तो ये दो टिप हो गई कि जो जनरली हर मिस्टेक हर डायबिटीज के पेशेंट हमारे पास आते हैं वो जनरली 90% लोग करते हैं। कोई भी चीज़ धीरे स्टार्ट करें और कोई भी चीज़ को जाने में टाइम लगता ही है, तो स्लोली करें और अच्छा करें।